ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैतिक। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक विशेष श्रृंखला हम चला रहे हैं। उसी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं गूलर के औषधीय प्रयोगों की। गूलर एक प्राचीन फल है। इसे संस्कृत में उटुम्बर, बांग्ला में डुमुर, मराठी में उदुम्बर, गुजराती में उमरा, अरबी में जमीज और फारसी में अंजीरे आदम कहते हैं। इसका फल गोल अंजीर की तरह होता है। गूलर दो प्रकार का होता है, नदी उदुम्बर और कठूमर। गूलर शीतल, गर्भसंधान कारक, अस्थि संधान कारक, कफ, पित्त तथा अतिसार व यौन रोगों को नष्ट करने वाला होता है। गूलर के कच्चे फलों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी जड़ों में रक्त स्राव रोकने व जलन शांत करने का अद्भुत गुण होता है। गूलर के नियमित सेवन से शरीर में कफ और पित्त नियंत्रित रहता है। गूलर के पके फल खाने से उदरस्थ अग्नि एवं दाह शांत होता है। गूलर मधुमेह के लिए वरदान है। गूलर के कोमल ताजे पत्तों का रस शहद में मिलाकर पीने से मधुमेह नियंत्रित होता है तथा पेशाब में शर्करा निकलना बंद हो जाता है। गूलर के तने का दूध बवासीर और दस्त की उत्तम औषधि है। खूनी बवासीर के रोगी को गूलर के ताजे पत्तों का रस पिलाना चाहिए। हाथ पैरों की त्वचा फटने, कटने या बिवाई होने पर गूलर के तने का दूध लगाना चाहिए। स्त्रियों में मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर गूलर की छाल का काढ़ा पिलाना चाहिए। मुंह के छालों में गूलर की छाल का काढ़ा बनाकर कुल्ला करना चाहिए। गूलर के पत्तों का काढ़ा बनाकर साफ कपड़े से छान लें। ठंडा होने पर 2 से 3 बूंदें आंखों में डालने से आंखों के समस्त रोग ठीक होते हैं। गंडमाला रोग में गूलर के पत्तों को दही में चीनी मिलाकर पीस लें। इसे रोग एक बार शहद के साथ सेवन करने से गंडमाल रोग जड़ से खत्म हो जाता है। गूलर का फल खाने से पेट का दर्द और गैस की समस्या खत्म होती है। 4 से 5 बूंद गूलर का दूध बतासे में डालकर खाने से मूत्र संबंधी विकार एकदम ठीक हो जाते हैं। यह प्रयोग दिन में 3 बार 4 दिन तक लगातार करना चाहिए। गूलर में हर किस्म का घाव ठीक करने की क्षमता होती है। गूलर के दूध में रुई भिगोकर पुराने से पुराने नासूर पर रखने से भी घाव ठीक हो जाता है। कमलगट्टे और गूलर के फलों के 5 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ 3 बार देने से उल्टी के साथ खून आना बंद हो जाता है। गर्भपात होने का डर हो तो गूलर की कुपलों को दूध के साथ पिए, गर्भपात नहीं होगा। 1 ग्राम गूलर की गोंद तथा 3 ग्राम चीनी को मिलाकर सेवन करने से हर किस्म का बुखार और जलन ठीक होती है। गूलर के पके फल को नियमित प्रयोग करने से हर प्रकार की यौन दुर्बलता ठीक होती है। कोई भी चिकित्सीय प्रयोग बिना किसी योग्य चिकित्सक के देखरेख के नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।